हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तुरई की स्पेशल सब्ज़ी, जो मैंने पहली बार अपने ससुराल में खाई थी और यकीन जाने कि मुझे बहुत ही टेस्टी लगी थी। और मैं अभी भी जब भी तुरई का सीज़न आता है तो एक या दो बार मैं इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ, और मुझे पता है, पक्का पता है मुझे कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी ये सब्ज़ी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने ली है आधा किलो तोरई ली है चिकने छिलके वाली, और मैंने 250 ग्राम मूली ली है और 3 आलू लिए हैं मैंने उबले हुए कच्चे। और सबसे पहले हम तुरई को छील लेंगे। हाँ, और एक बात यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि मार्केट में दो तरीके की तुरई आती है, आपको भी पता होगी। एक खुर्री तुरई होती है, जो छिलका जिसका थोड़ा खुरदुरा वाला होता है, चिकना नहीं होता, उसे खुर्री तुरई कहते हैं। और एक ये चिकनी तुरई आती है। तो इस सब्ज़ी के लिए मुझे ये चिकनी वाली तुरइयाँ चाहिए। तो मैंने तुरई की सब तुरइयों को छील के रख लिया है, और अब मैं ये मूली ले रही हूँ। तो मूली के पत्ते हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उनको मैंने निकाल दिया है। और अब मैं सारी मूली भी छील के रख लूँगी। छीलने का यह है कि सारी सब्जियां हम पहले छील लेंगे, फिर हम इन्हें साबुत ही अच्छे से धो लेंगे साफ़ पानी से, और धोकर हम इसे किसी स्ट्रेनर में रख दूंगी, क्योंकि काटने के बाद मैं सब्जियां बहुत कम धोती हूँ। मैं शुरू में ही साबुत सब्जियां छील के और तब वॉश कर लेती हूँ। और मूली भी मेरी छिल चुकी थी, तो अब मैंने आलू भी छील लिए हैं। और अब चलिए मैं इन सब्जियों को धो लेती हूँ खूब अच्छी तरीके से, और फिर हम इन्हें काटेंगे अपनी बनाने के लिए सब्ज़ी। तो ये तुरइयाँ और मूली और आलू मैंने तीनों धो लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं, और अब इनको हमें छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। तो पहले मैं काट लूँगी तुरई की सब्ज़ी। तो तुरई मैं दो तरीके से काट रही हूँ, गोल भी काटी है मैंने और लंबी बीच में से कट लगा के भी। वो किसी भी तरीके से आप काट सकते हो, जैसे भी आप काटते हो। और आलू के भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और मूली को हमें काटना नहीं है, मूली को हमें करना है कद्दूकस। तो मूली को मैं ग्रेट कर लूँगी कद्दूकस में, और मोटी वाली साइड से करूँगी मैं, इसके लच्छे बनाने हैं मुझे। तो इसको, इसके लच्छे हम इसमें डाल के बनाएंगे। तो ये देखिए तीनों चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं, अच्छे से धुली हुई हैं, सब साफ़ हैं। और चलिए अब गैस पर मैं चढ़ा देती हूँ ऑयल। तो मैंने ये लिया है सरसों का तेल 2 सर्विंग स्पून भर के, और इसको पका लिया है। जब ये पका लिया मैंने, उसके बाद इसमें मैंने लिया है ये 1/3 चम्मच जीरा, साबुत जीरा। और जब जीरा चटकने लगा तो मैंने ये 2 प्याज काट ली थी स्क्वायर पीसेस में, और 3-4 हरी मिर्चें, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। और इनको अब हमें हल्का सा भून लेना है। तो बस हमें केवल इनको ट्रांसपेरेंट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना प्याज को। और फिर मैंने इसमें लिया है 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1/3 चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1/3 चम्मच ही मैंने लिया है धनिया पाउडर। तो इन तीनों मसालों को हम इसमें मिक्स कर देंगे, और जब हल्का सा ये सॉटे करना है, बहुत ज़्यादा इनको नहीं करना है हमें। और बस इतना करा है कि हल्के से मसाले आ गए हैं सब्ज़ियों पे। और फिर मैंने सबसे पहले इसमें डाली है मूली, जो मैंने कद्दूकस करके रखी थी। और अब बाकी की जो सब्जियां हैं तोरी और आलू, उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी, और इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे नमक डाल के, क्योंकि बाकी मसाले तो हमने इसमें डाल दिए हैं, बस खाली नमक रह गया है और खटाई। तो खटाई तो आखिर में पड़ेगी सब्ज़ी में, जब हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। खटाई मतलब अमचूर पाउडर। और अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और अब इसको हम अच्छे से एक मिक्स दे देंगे, और इसको हम ढक के पकाएंगे, जिससे कि ये हमारी सब्ज़ियाँ गल जाएँ। और तोरी की सब्ज़ी में पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, कि तुरई अपने आप ही इतना पानी छोड़ती है कि उसको भी हमें सुखाना पड़ता है, गैस को फुल फ्लेम पे करके और फिर उसे सुखाना पड़ता है। तो इसलिए तोरी की सब्ज़ी में कभी भी पानी नहीं पड़ता। ये देखिए कितना पानी छोड़ दिया है ना तुरई ने। अब मैंने बीच में गड्ढा बना के पानी कर लिया है बीच में, जिससे कि ये धीरे धीरे पानी ऐसे ही जल जाए इसका, और किनारों से हमारा सब्ज़ियों में जो पानी है वो निकल के बीच में आ जाएगा सारा। तो अब ये सब्ज़ी पक रही है हमारी इसी तरीके से। मैंने गैस को यहाँ पर सिम कर दिया है, जिससे कि आराम से इसमें पकती रहे और जो थोड़ा सा भी कच्चापन है वो इसका ख़त्म हो जाए। और जब ये पूरी तरीके से पक जाएगी ना सब्ज़ी, फिर हम इसका पानी खोल कर ही चलाएंगे सारा पानी। तो अब हम देख लेते हैं सब्ज़ी खोल कर।
तो काफ़ी पानी जल चुका है लेकिन अभी भी है पानी और हमें इसको बिल्कुल ड्राई करना है पानी को, हमें पानी नहीं चाहिए इस सब्ज़ी में। तो ये ड्राई तोरई बन जाती है और अब देखिए काफ़ी पानी ख़त्म हो चुका है, तो मैं सारी सब्ज़ी को एक बार मिक्स कर दूंगी। और आलू भी मैंने देखा है, क्योंकि अगर आलू गल जाएगा इसका मतलब ये है कि सब्ज़ी हमारी रेडी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना आलू ही लेता है गलने में। तोरी और मूली तो बहुत जल्दी गल जाते हैं और पानी भी लगभग सूख चुका है और कढ़ाई की जो तली है वो दिखाई देने लगी है। और अब ये सब्ज़ी हमारी तैयार है, तो इसमें मैंने अमचूर पाउडर भी ऐड कर दिया है, सॉरी वो क्लिप रह गया बीच में, और गरम मसाला भी मैंने इसमें ऊपर से ऐड कर दिया था और मिक्स कर दिया था। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। और ये हमारी देखिए यमी यमी तोरी की सब्ज़ी मूली के और आलू के साथ तैयार है। तो आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी।